हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना किचन रेसिपी। तो सावन का सोमवार शुरू हो चुका है, तो कुछ महिलाएं जानती नहीं हैं कि सोमवार के दिन बाल धोने चाहिए नहीं धोने चाहिए। तो मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शनिवार के दिन बाल धोने से रोग लगते हैं, सोमवार के दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना गया है, शुक्रवार के दिन बाल धोना शुभ माना गया है, मंगलवार के दिन बाल धोने से क्षीणता आती है, गुरुवार के दिन बाल धोने से रोग लग जाते हैं, शनिवार सोमवार के दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना गया है। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन जो व्रत रखते हैं वह घर के अंदर पोछा भी नहीं लगाते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अशुभ दिन माना जाता है। कुछ महिलाएं जो कि सोमवार का व्रत करती है, सावन के सोमवार का, तो वह बाल धोती है, लेकिन बाल धोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है, इसलिए अगर बाल धोना आवश्यक भी है तो एक दिन पहले बाल धो ले, और शनिवार के दिन भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। मंगल, गुरु और शनि, ये तो तीन बार ऐसे हैं जिस दिन बाल बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल धोने से धन की हानि होती है, और जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं और उस दिन बाल धोती हैं तो उनको सुहाग की क्षीणता होती है। इसी के साथ ही सोमवार के दिन बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है, क्योंकि जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो बाल धोने से धन की हानि होती है, परिवार में दुख तकलीफ होती है, तो इस दिन आप चाहे तो बाल धो नहीं सकते हैं। इसलिए ख़ास तौर पे उन वारों के दिन आप बिल्कुल भी, और जैसे गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा की जाती है तो इस दिन नाखून भी नहीं काटे जाते हैं, और साथ ही साथ इस दिन बाल दाढ़ी वगैरह नहीं बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। इसलिए ख़ास तौर पे इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जिन चीज़ों को हमें अपने जीवन में खास तौर पे बहुत ही शुभ और अशुभ माना गया है। अब कुछ लोग किसी भी दिन नाखून काट लेते, किसी भी दिन बाल कटवा लेते हैं, किसी भी दिन बाल भी धो लेते हैं, तो सभी चीज़ों का एक लिमिटेशन होता है, और उस अनुसार आप रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन बाल धो सकते हैं, और साथ ही इसी के साथ साथ बुधवार के दिन भी आप बाल धो सकते हैं। तो मंगलवार, सोमवार और साथ ही साथ गुरुवार, शनिवार के दिन बाल धोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। तो ये थी खास जानकारी कि सावन के सोमवार के व्रत में आप बाल धो सकते हैं नहीं धो सकते हैं। तो जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।